चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, विनय प्रताप से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 158 है, जो कि दिल्ली से हैं। और विनय प्रताप ने ये ऑल इंडिया रैंक जो है वो फाइनल ईयर के साथ अचीव की। तो सबसे पहले विनय, आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी वजह से बताया। तो विनय ये बताओ, आपकी जो आप चूंकि दिल्ली से हो, आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है? मतलब आपने कब निमसेट के लिए सोचा, किस ढंग से प्रिपरेशन की, किस तरह से टेस्ट पेपर दिए, एनालिसिस पे काम किया और इतनी अच्छी रैंक अचीव की? मैं चाहूंगा ये डिटेल में आप बताओ। सर तो मुझे जब मैं फाइनल ईयर में था अपने कॉलेज के, बीएससी कंप्यूटर साइंस है मेरे पास, तब मुझे पता चला था कि मतलब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आगे क्या करना है, तब मुझे पता चला था कि एनआईटी से एमसीए होता है, उसके लिए निमसेट करना होता है। तो मैंने थोड़ा कोर्सेज वगैरह सर्च करे, तो शुरू में ही पता चल गया था कि इम्पीटस गुरुकुल कोर्सेज होते हैं, वो ही बेस्ट चल रहा है अभी। तो मैंने वो लिया कोर्स, तो फिर मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं वगैरह वगैरह हैं। तो बाकी तो पहले वीडियो से ही मुझे पता चल गया था कि आप यही बोलते हो हर बार कि टेस्ट एनालिसिस पे ही फोकस करना है। तो मेन फोकस मेरा टेस्ट एनालिसिस पे था, लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि सिलेबस मुझे आता था थोड़ा बहुत, तो टेस्ट एनालिसिस पे ही फोकस किया था मैंने। टेस्ट दिए क्योंकि इतने सारे मॉक हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने सारे मॉक तो मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया, सारे मॉक मॉक मेरे रह भी गए बहुत सारे, तब भी तब तक एग्जाम की देखा नहीं थी और एनालिसिस करना था उनका। और सर हाँ, सबसे ज्यादा हेल्पफुल वो जो लास्ट में फाइनल मॉक आए थे, काउंट डाउन जो आई 10 9 8, सबसे हेल्पफुल वो रही थी मेरे हिसाब से, उससे बहुत आइडिया लग गया था कि अच्छा क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत ही अलग फाइनल काउंटडाउन था, इसके अलावा वार्म अप भी बहुत अलग था। जैसा मेरा हाँ एक्सपेक्टेशन था कि पीवाईक्यू आने के चांस कम है, पेपर सरप्राइज कुछ भी आ सकता है, वो कई लोगों के लिए बहुत मेंटली उसको प्रिपेयर किया, कई लोगों ने उस चीज नहीं का आपने, फायदा क्योंकि लिया। हर मॉक में, किसी मॉक में प्रीवियस ईयर थे भी किसी मॉक में नहीं भी थे, तो हर तरह से हम मतलब तैयार हो गए, कोई मॉक बहुत टफ था कोई थोड़ा इजी था, तो काफी प्रैक्टिस हो गई थी हर तरह के हर दोनों। लेवल के मॉक होने का ये फायदा हुआ, बिल्कुल सही है। और विनय प्रताप, जो आपने भी बात बोली ना, ये एकदम एब्सोल्युटली की पढ़ाई तो करनी है, पर टेस्ट पेपर और उसका एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सक्सेस की सबसे पहली जो की है इंपॉर्टेंट, वो है टेस्ट पेपर का प्रॉपर एनालिसिस होना। ये तो सर आप हर लेक्चर में ये बात बोलते थे, तो मैं समझ गया था कि अच्छा यही करना, हाँ, तो वो तो आपने क्या उस हर बात को अच्छे लेक्चर। से ऑब्जर्व किया और आज उसका नतीजा है कि आप इतनी अच्छी रैंक लाए। तो विनय, आप ये बताओ, आपकी ये जो रैंक है 158, इस पे कितने मार्क्स आपके आए? और सेक्शन वाइज भी कई बच्चे जानना चाहते हैं, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो मैं इसलिए सोचा पहले ही पूछ लूं आपसे। सर मेरे ओवरऑल मार्क्स 502 बने थे, ओके, कोई लेकिन हाँ मैथ्स में नंबर में थोड़ा भूल गया मैं भी, कुछ ना कुछ होते, बात नहीं, ओवरऑल बट नंबर आपके 502 थे। 502 थे मैथ्स में, 158 समथिंग थे। ओके, तो ये बताओ आपने कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे और जब ये पेपर दे रहे थे, तो क्या थॉट था या क्या माइंड में आपके चल रहा था? सर मैं बताता हूँ ऑनेस्टली आपको, इतना प्रैक्टिस कर लिया था हम लोगों ने कि कुछ अलग ऐसा लग ही नहीं रहा था। आपने बोला था, आपने एक बात बोली थी सिंपल कि आप जब मॉक दो तो आप बिल्कुल वैसे ही देना जैसे आप पेपर में जाके दे रहे हो, शूज पहन के और जो आप कपड़े पहन के जाओ वैसे पहन के बैठे। तो मैंने वही किया, लाइब्रेरी में जाता था पढ़ने, तो बिल्कुल उसी तरह से जाता था कि जैसे पेपर देने जाऊंगा, और वही लैपटॉप खोल के मॉक देता था वैसे। तो वहां जाके जब बैठा तो कुछ ऐसा अलग लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो मैं रोज करता ही था, तो वही करना है आज भी मुझे वैसे। बिल्कुल सही बात है। तो विनय, आप ये बताओ, आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी रैंक भी अचीव की है, पेपर एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किए, तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? सर मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, इतना टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। आप मतलब ये मत सोचो कभी भी कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाया तो क्या होगा, आप बस पेपर में जाओ, अपना मॉक करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो अच्छे से, अपने ऊपर अपना बेस्ट दे के आओगे तो और पक्का होगा। बिल्कुल सही बोला विनय आपने। तो आप विनय, फिर से एक बार आपको 158 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत ही जल्दी हम भोपाल में अवार्ड सेरेमनी के लिए भी मिलने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एनआईटी में भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।